हम और कितना वेट करेंगे मेरा, और कब तक हम यूं ही मिलते रहेंगे? हम डायरेक्टली जाके कायरा को बोल देंगे दैट वी लव ईच अदर एंड हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, दैट्स इट। नहीं समझ, वो कभी नहीं मानी। पर तुमने तो कहा था कि कायरा बहुत समझदार है, और अगर वाकई ऐसा है तो आई थिंक वो हमारी फीलिंग्स को समझ लेगी। क्यों ना समर, आज से 10 साल पहले जब रजत की डेथ हुई थी, तब से कायरा और मैं ही एक दूसरे का सहारा है। एंड अकॉर्डिंग टू कायरा, हमारी इस हैप्पी लाइफ में किसी तीसरे की जरूरत नहीं। अगर उसे ये पता चला कि मैं तुमसे प्यार करती तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, आई मीन रूठ जाएगी मुझसे, जो मैं नहीं चाहती। तो फिर करना क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ समर, कि कायरा को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले उससे पहले ही, अगर तुम उसे पसंद आ गए तो। और ये सब कुछ होगा कैसे? नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा आपका गुनाह में फिर से स्वागत करता हूँ। मीरा ने तो ये भी मान लिया था कि अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी कायरा के लिए है, और उसे अपनी ज़िंदगी में और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मगर ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं, ज़िंदगी हमें चौंकाती है, सरप्राइज़ देती है। मीरा के साथ भी वही हुआ था जब वो समर से मिली थी। दोस्ती से शुरू हुआ उसका और समर का रिश्ता कब प्यार में बदल गया ये उन दोनों को पता ही नहीं चला, और अब दोनों एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं चाहते थे, खासकर समर जो मीरा से शादी करना चाहता था। लेकिन मीरा की अपनी मुश्किलें थी, एक जवान बेटी के होते हुए समर से शादी करना उसके लिए एक मुश्किल भरा फैसला था। लेकिन उसे किसी भी तरह कायरा को कन्विंस तो करना ही था, और उसके लिए उसने एक रास्ता भी ढूंढ लिया था। क्या था यह रास्ता, आइए देखते हैं। कायरा, कायरा बेटा आ जाओ, खाना लग गया। हाँ मॉम, 2 मिनट में आई। भूख नहीं लगी? लगी है। तो कायरा, मेरा एक ऑफिस कलीग है, समर नाम है उसका, ये अपने इलाके में ही रहता है। 2 दिन बाद उसका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, इज लुकिंग आउट फॉर द फ्लैट। सो मैं सोच रही थी अपना ऊपर वाला जो कमरा है खाली उसे दे देते हैं कुछ दिनों के लिए, एक बार उसका फ्लैट मिल गया तो ही विल गो। व्हाट डू यू थिंक, शुड आई हेल्प हिम? पर मॉम, हम अनजान आदमी को घर में कैसे रहने दें? अनजान नहीं बेटा, आई नो हिम, आई टोल्ड यू ना, ही इज माई ऑफिस कलीग। तो मुझे लगा कि He needs help, तो help करनी चाहिए, that's it. पर मॉम, उसने आपसे ही क्यों help मांगी? मतलब किसी और से भी तो मांग सकता था। नहीं नहीं बेटा, उसने मुझसे help नहीं मांगी, मुझे तो दीक्षा ने बताया, उसने तो मुझसे पूछा तक नहीं। दीक्षा बोल रही थी तो I thought I should help, but I know हम दोनों के लिए थोड़ा सा difficult होगा to adjust with someone not very fond of, but on the human ground we should help, that's it. But it's okay if you are not comfortable, मैं मना कर दूंगी, fine. चल मॉम, आपकी मर्जी। So you mean I should tell him to come, right? Okay. Good girl. हमें ऐसे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए।
बाद में लेना। So, here we go. ये रहा आपका रूम। I know, थोड़ा सा तुम्हारे लिए छोटा है, but you have to adjust. मैं इस कमरे से नहीं, इस पूरी जिंदगी से तुम्हारे लिए एडजस्ट कर सकता हूँ। और वो क्या रखा है? कायरा। हाँ। वो कॉलेज गई है। ओके। 6 बजे तक रिटर्न आएगी। ओके। So, 6 बजने में we have 4 hours. Yes, we have. उस रोहित के बच्चे का तो शक्ल देखने लायक हो गया था। हाँ ना, इस रोजे मिस ने तो पूरे कॉलेज में ऐसी दहशत सी फैला दी है कि अब हर बंदा ना अपना असाइनमेंट पूरे किया बिना कॉलेज नहीं आएगा। अब डर के मारे ही सही, लोग पढ़ाई तो करेंगे और सबके सब बैक बेंचेस ना एकदम से सुधर जाएंगे। हाँ। वैसे कल तू क्या कर रही है? कुछ प्लान नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, तो घर आ जाओ, हम चेस खेलेंगे। ठीक है, चल चल, बाय बाय, चल कल मिलते हैं। हाँ। हाय मॉम। हेलो बेटा। मॉम बहुत भूख लगी, आज क्या बनाया है? पास्ता प्रिपेयरिंग। हाउ वाज द डे? गुड। वैसे मॉम, आज आपका कोई फ्रेंड आने वाला था ना? समर आ गए। वेट, आई कॉल हिम। समर, समर। यस। आ रही। समर, जल्दी नीचे आओ। या Nice to see you. Mom, मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ। हाँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैंने खाना बाहर खा लिया होता। क्यों? मेरे यहाँ से बना नहीं खा सकते? ऐसी बात नहीं है, बट आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? इट्स ओके समर, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और वैसे भी ना, इंसान को खाने पीने के मामले में शर्माना नहीं चाहिए। सो हैव इट। सो तुम 12th स्टैंडर्ड में हो, राइट? हाँ। व्हिच स्ट्रीम? साइंस। That's cool. So after 12th, क्या प्लान है करने का? MBBS के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। डॉक्टर? नाइस। तो कुछ प्लान किया है, कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहती हूँ? अभी तो फिलहाल 3 मुंबई के कॉलेजेस को एम कर रही हूँ, बट उसके पहले मुझे एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। Saying something about colleges. No, nothing. प्रॉब्लम है इस बंदे में? नहीं तो? तो फिर ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था? पता नहीं, होगा कुछ। एनीवे, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत देर हो। ठीक।
गुड नाइट. गुड नाइट बेटा. सोया नहीं है बेटा? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था. ओके, मेरा इंतजार. ठीक है जी, फिर आपका इंतजार इज ओवर नाउ. लेट्स गो. सच में हमारा इंतजार हो रहा था? यस. सीरियसली? यस सीरियसली. बिग लायर. नो आई एम नॉट. Okay. Seriously, no? Yes. No? 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 So, tell me about the intezar now. Check. ये गया तेरा वजीर. अरे मैं वजीर को नहीं लाने वाली थी. नहीं नहीं, मैं तो सच में घोड़ा चलाने वाली थी. डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट. ये रहा तेरा वजीर डब्बे में और ये रहा तेरा घोड़ा. अब चल जहां चलना है. मैंने अपना घोड़ा चला दिया. ओए, तू वहां क्या देख रही है? देख रही हूँ तेरा घोड़ा तो इधर है. वो कौन सा घोड़ा है? वो भी इतना हैंडसम. तू धीरे बोलेगी, वो सुन लेगा. मगर वो है कौन? अरे वो अंकल मेरी मॉम का फ्रेंड है. ऊपर वाले कमरे में एक महीने के लिए रहने आया. अंकल तू पागल होगी क्या? उसकी बॉडी तो देख. बाइसेप, चेस्ट, उसके एब्स. उसे तो ना शुगर डैडी बोलना चाहिए. शुगर डैडी. तू ना पागल हो गई है. चुपचाप से चेस खेल. चेस खेल के क्या करूँगी? अब तो हॉर्स राइडिंग सीखनी पड़ेगी. तू पागल हो गई है क्या? छोड़ उसको, चुपचाप से चेस खेल. कितना हैंडसम है यार. मतलब इतने दिनों बाद इन आंखों को कुछ खूबसूरत देखने को मिला है. बस बस बस, इतना भी कोई खूबसूरत नहीं है. तेरी आंखों को ना धोखा हुआ है. हाय, ये धोखा इतना खूबसूरत है. मुझे धोखे में ही रहने दे यार. तू बस करेगी और ये जो फिल्मी डायलॉग माना बंद कर. मेरी माँ अब खेलना स्टार्ट कर. We'll be right back.
लगता है तुम दोनों को चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है। हमें तो आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। सॉरी? नहीं, इसका मतलब है कि अगर आपको चेस खेलना अच्छा लगता है तो आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। I'm really very much happy. Why? क्योंकि कायरा तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गई है। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, मुझे डोर नॉक करना चाहिए था। ये बुक। शिट।
तुम्हारे घर का कुछ हुआ समर? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। वैसे तुम चाहो तो जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, am I right बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल। कायरा तुम इतनी रात गए, कम है कम है? क्या हुआ, कोई परेशानी? हाँ वो आप सुबह के बारे में मॉम को मत बताना। सुबह के बारे में ऐसा क्या हुआ था सुबह? वो आप मेरे रूम में आए थे और आपने। हाँ मैं सुबह तुम्हारे रूम में आया था और मैंने तुम्हारी वो बुक रिटर्न की थी, अब इसके अलावा क्या हुआ था मुझे नहीं पता। और तुम इतनी डरी हुई क्यों? मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ कुछ भी नहीं हुआ। देखो जो कुछ भी हुआ वो इस उम्र में होना बहुत कॉमन सी बात है, सो टेंशन मत लो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, अगली बार जब भी देखना हो तो मेक श्योर तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद हो, राइट? सॉरी, नाउ गो ऑफ टू स्लीप। Good night. Good night. And be good. We'll be right back.
प्लीज। अट्ठारह साल की कायरा उस उम्र में थी जहां ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन कायरा अट्रैक्शन की हद को पार करके उस शख्स के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुकी थी जिससे उसकी माँ मीरा प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। कायरा तो अपनी माँ और समर के रिश्ते से अनजान थी, लेकिन समर ने सब कुछ जानते हुए भी कायरा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। वहीं दूसरी तरफ मीरा समर और कायरा के बीच की बॉन्डिंग को अपनी होने वाली शादी के लिए एक अच्छा साइन मान रही थी, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उससे प्यार और शादी के वादे करने वाला समर उसकी पीठ पीछे उसकी बेटी के साथ क्या कर रहा था। मीरा समर और कायरा रिश्तों के ऐसे भंवर जाल में फंस चुके थे जहां से बाहर निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल था। समर, कुछ बात बनी तुम्हारी? नहीं यार मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों इस पूरे एरिया में मुझे कोई अच्छा सा घर ही नहीं मिला। सी आई नो मुझे यहाँ पर आए एक महीने से ज्यादा हो चुका है और मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे रहा हूँ, बट प्लीज मुझे दो तीन दिन का टाइम और दे दो। इन दो तीन दिनों में कहीं शिफ्ट कर जाऊंगा मैं। रिलैक्स, आई मीन मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। अगर तुम चाहो तो और एक महीने यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट कायरा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों बेटा? हाँ मॉम, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि आप हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ। क्यों मॉम, विल दैट बी ओके? ऑफकोर्स आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नहीं बाप, ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आपने मुझे जगह दी यहाँ पे रहने के लिए, इतने काफ़ी है। मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। अगर आप यहाँ रहोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी यहाँ रहकर आप एक टीचर का रोल तो निभा ही रहे हो और मुझे नई नई चीज़ें तो सिखा ही रहे हो। यस। सही कह रही है। पर कुछ नहीं, ये मेरा फैसला, आप यहीं रहने वाले हो। थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत अच्छे हो। इनफैक्ट आप मुझे भी अच्छा लगेगा। आई थिंक हमें ना अब कायरा को सब सच बता देना चाहिए। आई थिंक हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। क्यों? अब तो वो तुम्हें पसंद भी करने लगी है। इट्स अ राइट टाइम टू टेल हर। नहीं मीरा, बट मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। मैं कायरा को थोड़ा अच्छे से जानना चाहता हूँ। कुछ बताएगी भी, क्या हुआ है? वो मैं क्या बकरी तेरे मैं किए जा रही है? आगे भी तो बोल क्या हुआ है। बोल ही तो रही हूँ, तो बोल ना। वो मैं ना वजह नहीं रही। क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? वैसे वो खुशनसीब लड़का कौन है? वो अच्छा रुक जा, लेट मी गेस, राहुल विपुल पुनीत। यस, प्रशांत नहीं,
अगर वो लड़का अपने कॉलेज का नहीं है तो फिर कौन है? वो लड़का नहीं है तो he's a man. मतलब तूने उस समर से निशाना मैं लगा रही थी और बाजी तू मार गई. अच्छा खैर अब ये सब छोड़, ये बता कि आगे क्या करना है. पता नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरी जिंदगी सिर्फ उसके साथ ही रहना है. तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तू पागल है? हाँ चल माना कि तूने अपनी वर्जिनिटी लूज करने के लिए उसके साथ सेक्स किया, लेकिन ये प्यार व्यार और जिंदगी भर साथ में रहना ये ना भूल जा, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे वो तुझसे कितना बड़ा है, ना तेरी माँ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी और ना ही सोसाइटी. तो मैडम तू जो ये सपने देख रही है ना वो देखना भूल जा, समझी? मुझे आपसे शादी करनी है. क्या? Are you all right? हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे आपसे ही शादी करनी है. Kyra, I think you are mistaken. हम शादी नहीं कर सकते. ये हमारा रिलेशन जायज नहीं है. हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ. Kyra, see, तुम पागल मत बनो. तुम अभी 18 साल की हो, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है. हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है Kyra. See, हमारा ये रिलेशन एक दूसरे के फिजिकल नीड को पूरा करता है और हमारा ये रिलेशन ये बिस्तर के आगे कुछ नहीं है. और मेरा प्यार, उसका क्या? प्यार है ना Kyra, ये रिलेशन हमारी फिजिकल डिजायर को पूरा करता है. सो प्लीज तुम इसे शादी का नाम मत दो. प्लीज दैट्स इनफ Kyra, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता. क्या जल्दी है मेरा, थोड़ा और वेट करते हैं ना. कितना वेट समर, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है. अभी तक तो हमारी शादी भी हो जानी चाहिए थी. मैं समझ सकता हूँ मेरा, लेकिन थोड़े दिन और वेट करने में क्या जाता है? समर, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम उससे शादी तो करना चाहते हो या फिर इरादा बदल? Come on, मेरा. What are you saying? Of course, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ मैं तुमसे. मैं बस इसलिए कह रहा था ताकि शादी वाले मामले में हम ज्यादा हड़बड़ी ना करें. इसमें कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है. In fact, it's a right time to speak to her. And I'm sure वो मान जाएगी. But Meera, listen. Come on, Samar. You listen to me. I have decided I'm gonna talk to her. ठीक है. In fact, I'm very excited. जो खेल समर ने मौज मस्ती के लिए शुरू किया था अब उसका वही खेल उस पर भारी पड़ रहा था. मीरा और Kyra दोनों ही उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान थी कि समर उन दोनों के साथ डबल क्रॉस कर रहा था. दोनों ही एक दूसरे से समर को लेकर अपने रिश्तों की बात करना चाहती थी, मगर ऐसा होने पर पैदा होने वाली कोई भी स्थिति समर के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि समर मीरा और Kyra के बीच बुरी तरह से फंस चुका था. वो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता था जिससे मीरा और Kyra के साथ अपने रिश्तों को जारी रख सके, लेकिन मीरा और Kyra की बेसब्री को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके पास ज्यादा समय था. उसे जो भी करना था जल्दी करना था. हाय हाय. Thank you.
क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो ना। कायरा, आई नो तुम्हें ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन मुझे सच बोलना होगा। बोलो ना। बात यह है कि मैं और तुम्हारी तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में देख रही थी। कायरा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इनफैक्ट हम दोनों को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मॉम, लेकिन आप सडनली ऐसे क्यों पूछ रही हो? बताती हूँ, पहले तुम बताओ समर तुम्हें कैसे लगते हैं? He's a nice human being. पर बात क्या है? एक्चुअली समर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड वी वॉन्ट टू गेट मैरिड। पर इस शादी के लिए हमें तुम्हारी मंजूरी जरूरी है। आई एम सॉरी, एक्चुअली हम पिछले एक साल से रिलेशनशिप में हैं। सॉरी बेटा, तुम्हें इसलिए नहीं बताया अभी तक, सोच रही थी पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। सो क्या तुम्हारी मंजूरी है इस शादी के लिए? सी, तुम्हारी मंजूरी के बिना हम शादी नहीं करना चाहते। कायरा, इट्स ओके बेटा, अगर तुम अभी नहीं बताना चाहते सो नो वरीज, टेक यू टाइम, बाद में बता देना, हम वेट कर लेंगे। मैं जा रही हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, यू टेक योर टाइम, जब तुम डिसाइड कर लोगे तब बता देना। जो मॉम ने कहा वो सच था। यस। तो मेरा क्या? आई नो कायरा तुम पर क्या बीत रही है, बट डोंट वरी, हमारा ये रिलेशन हमेशा ऐसे रहेगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हम एक दूसरे को वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हमेशा किया है। और मेरी मॉम का? मैं तुम्हारी मॉम से भी इतने प्यार करता हूँ जितना तुमसे। यू डोंट वरी, मैं तुम दोनों को खुश रखूंगा। सच? हाँ, प्रॉमिस। Oh!
शादी नहीं मंजूर थी तो मना कर देती, नहीं करती मैं, पर उसके लिए इसकी जान लेने की क्या जरूरत थी? क्यों मारा इसे? बोल क्यों मारा इसे? समर मोम दोनों को यूज कर रहा था। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज माफ कर दो। गुस्सा, एक पल का गुस्सा कभी कभी सारी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। कायरा ने समर का सच जानने के बाद अपने इसी गुस्से की वजह से समर की हत्या कर दी। बेशक समर ने जो मीरा और कायरा के साथ किया वो सही नहीं था और कायरा का गुस्सा होना लाजमी था, मगर क्या समर की हत्या करने के अलावा कायरा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? क्या उसका और मीरा का रिश्ता इतना कमजोर था कि मीरा को समर की सच्चाई बताने के बाद भी मीरा उसकी बात का भरोसा नहीं करती? और एक पल के लिए मान भी लें कि मीरा उसकी बात का भरोसा नहीं करती, तो कायरा समर के खिलाफ पुलिस में झूठ बोलकर शारीरिक शोषण करने का मामला दर्ज करवा सकती थी, उसको उसके किए की सजा दिलवा सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने गुस्से को चुना, उसने वो किया जो कमजोर लोग करते हैं, उसने समर से बदला लिया। अगर कायरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचती कि वो जो करने जा रही है वो सही है या गलत, एक बार अपनी माँ मीरा से बात कर लेती तो शायद ये अपराध कभी होता ही नहीं। पर अफसोस, ऐसा हुआ नहीं। याद रखिए, गुनाह की तरफ बढ़ाया गया हर एक कदम आपको सलाखों के पीछे ही लेके जाता है। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।